क्या विशेषता है आज की पूजा? आज के इस पंचमी को महापंचमी का नाम देते हुए हमने यहाँ सहस्त्र धारा एक अभिषेक रखा है, जिसमें 1008 धाराएं प्रवाहित हो रही थी और 1008 तत्वों से ही उसका अभिषेक किया गया, जिसमें नगर के सभी लोगों ने इस अभिषेक का लाभ उठाया। और अभी महाकाल जी के श्रृंगार की श्रृंखला चल रही है, जो कि शाम देर रात तक आरती के बाद उसको दर्शन के लिए रखा जाएगा। जो भाविक वगैरह आ रहे हैं, जो गुंजे से भी आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं भाई? शिव मंडल पिछले 40 सालों से ये उत्सव मना रहा है और प्रतिवर्ष कुछ न कुछ, न कि गोंदिया बल्कि भंडारा और विदर्भ के लोगों के लिए नया ही करते आ रहा है, जिसमें हमने माँ वैष्णो देवी की यात्रा, अमरनाथ यात्रा, बाबा केदारनाथ यात्रा, इस साल कोयम्बटूर में स्थित योगी आदिनाथ की एक भव्य 51 फुट ऊँची एक मूर्ति स्थापित की है, जिसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कराया जा रहा है। और क्या कहेंगे जो भाविक लोग जो आ नहीं पा रहे, दूर दूर से लोगों को क्या कहेंगे? मंडल की यही इच्छा है कि दूर दराज से लोग आए और इस हमारे इस सहकार्य को देखे और उसकी प्रशंसा करे। माता जी के दर्शन, और जो लोग हमारे इस कार्य को नहीं देख पा रहे, हमारे इस थीम को नहीं देख पा रहे, माता जी उनकी हर मनोकामना पूरी करे, हमारी यही इच्छा है। सालों से मनाया जा रहा है त्यौहार, 40 साल हो गए हम दुर्गा जी स्थापना करते हैं, हर साल नया आइटम लेके आते हैं, नया डेकोरेशन रहता है, कभी जबलपुर से, कभी पूना से, कभी कलकत्ते से, कभी इंदौर से, हर साल नया ही वैरायटी लाते हैं। इस साल में क्या विशेषता और कितने भाविक यहाँ पे आते हैं? इस साल आदि योगी और रुद्र अभिषेक और पालकी यात्रा अष्टमी के दिन, और अष्टमी के दिन रात को हवन, और नवमी के दिन आम लंगर, और 10 ही दिन महाप्रसाद रात को निःशुल्क दिया जाता है। ज्योतिर्लिंग है जो बनाया गया है, कैसे कल्पना कैसे आई और क्या विशेष आज का जो पंचमी के दिन क्या विशेष? आज पंचमी के दिन अभिषेक का काम, आज पंचमी के दिन महाकाल अभिषेक का काम, पंचमी के दिन अभिषेक का रखे प्रोग्राम, अष्टमी के दिन महाकाल की पालकी निकलेंगी जो भय रहेंगी, 500 से 800 लोग रहेंगे,